डिस्क्लेमर नंबर वन, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिखा हुआ मिलेगा कि कलर में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है क्योंकि लाइट्स इफेक्ट जो होते हैं लाइट्स के और कैमरे के रेजोल्यूशंस अलग अलग होते हैं, तो उस वजह से ये डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया गया, हर वीडियो में दिया जाता है, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। आप थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है तो फिर कॉल कर करके परेशान करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है लाइट और डार्क का, कलर चेंज होगा तो हम आपको आर्टिकल चेंज करके देंगे। कलर चेंज नहीं होता, सिर्फ आर्टिकल का जो शेड होता है वो डिफरेंस होता है, तो इसलिए डिस्क्लेमर नंबर वन है, इसके लिए कोई हमारे पास में आपकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी। नेक्स्ट डिस्क्लेमर ये है कि आप जिस क्वालिटी की परचेजिंग करते हैं आप उसी क्वालिटी को एक्सपेक्ट करें, ठीक है। मतलब ये है कि आप जिस रेंज में परचेजिंग करते हैं क्वालिटी भी एक्सपेक्टेशंस आपके उतने ही होने चाहिए। आप लेंगे 1500 का और आप क्वालिटी की उम्मीद रखेंगे 3500 की, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मार्केट वैसे तो हमने लो क्वालिटी रखना ही बंद कर दिए थे, लेकिन अब हम 1200 की इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं वो चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा लेकर देखें पहले एक ड्रेस, तो उसमें आप उम्मीद रख रहे हैं कि आपको 1000 में 5000 की चीज़ मिलेगी, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अपने जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपके प्राइस के हिसाब से रखिए, ठीक है। चाहे वो फैब्रिक की क्वालिटी में हो, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी में हो, चाहे वो जो भी हो, ठीक है। आपको क्वालिटी जो है वो आपके आप जितना पे करते हैं उसके हिसाब से दी जाती है, ठीक है। और क्वालिटी के मामले में मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि मार्केट में इस रेट में ये क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। इसमें एक स्पेशल नोट आप लोगों को ये देना था कि मुस्लिम क्लाइंट्स जो हैं वो, और वो क्लाइंट्स जो मुस्लिम नहीं है लेकिन फिर भी कोई जानदार की, जैसे कोई परिंदा हो गया या कोई लेडी की पिक्चर, समझ रहे हैं आप लोग, किसी भी तरीके की जानदार की पिक्चर को कपड़ों में कंसीडर नहीं करते हैं, पहनना प्रीफर नहीं करते हैं, तो उन लोगों ने प्रिंट को गौर से देखना है क्योंकि हमारे क्लाइंट सभी तरीके के हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी हैं और ज़ोरास्ट्रियंस भी है, सभी टाइप के हैं, हर मज़हब के हैं, तो हमको हर चीज़ सेल करनी है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे भी आ जाएंगे आर्टिकल्स जिसमें कोई स्कल्पचर हो या फिर कोई बर्ड हो या कोई एनिमल हो, कुछ भी हो सकता है, पीकॉक हो सकता है या फिर कोई लेडी हो सकती है, तो एलिफेंट हो सकता है, ऐसे बहुत सारे जो राजस्थानी स्पेशल प्रिंट्स होते हैं, ठीक है, या गुजराती प्रिंट्स होते हैं, वैसे प्रिंट्स भी इसमें हैं क्योंकि उसके बायर्स भी हैं, हमारे पसंद करते हैं कोई कोई, तो मैं मुस्लिम क्लाइंट से जो नहीं पहनते हैं इस तरीके के कपड़े उनसे कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अच्छे से गौर करें, जूम इन जूम आउट करें, जो भी करें आप अच्छे से देखें। वैसे भी ये वर्टिकल वीडियो है तो इसमें आप लोगों को आर्टिकल और इसके प्रिंट्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, प्लस हमने ओरिजिनल ड्रेस की भी वीडियो डाली है, तो आप लोग खुद अच्छे से चेक करें, ठीक है। जिस पे प्रिंट होता है उस पे क्लियर दिखाई दे देता है, छुपा हुआ नहीं होता कुछ भी, तो हम लोग इस तरीके से फ़ोटोशूट करवाते हैं कि वो चीज़ सामने दिख जाए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या आपने लेना है और क्या नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि आप रिटर्न नहीं कर सकते, इसलिए गौर से देखिए प्रिंट्स को, उसके बाद ही कुछ चूज़ कीजिए, ठीक है, उसके बाद परचेजिंग कीजिए। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक पॉइंट ये है कि दिवाली के टाइम पे कुछ मुस्लिम्स ने भी सेल में से परचेजिंग किए थे, तो उसमें स्कल्पचर्स वगैरह की पिक्चर्स थी जो कि बहुत ही वाजे थी, बहुत साफ दिखाई दे रही थी, उसके बाद में भी उन लोगों ने परचेजिंग की। प्लस हमारा जो स्टाफ है वो मुस्लिम क्लाइंट्स अगर हैं तो उनको बता देता है कि मैम या सर जो भी परचेजिंग कर रहे हैं इसके ऊपर आपको ये पिक्चर मिलेगी, तो आप मुस्लिम हैं तो मत लीजिए, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने परचेजिंग की क्योंकि उनको वो पसंद आ गया था, उस पर छोटी छोटी शायद मछलियाँ बनी हुई थी या पता नहीं स्कल्पचर्स थे या मछलियाँ थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने खुद उनको बता दिए जाने के बाद भी लिए और फिर उसके बाद में ओपन करने के बाद में रिटर्न करने की कोशिश की। तो इस तरीके की हरकत आप नहीं करें, पहले गौर से खुद देखें और उसके बाद में ही आप परचेजिंग करें, ठीक है, क्योंकि रिटर्न नहीं होगा।
प्रिंट्स पसंद आ जाते हैं या कलर पसंद आ जाता है, कॉम्बिनेशन पसंद आ जाता है, फिर परचेज़ कर लेते हैं आप, जबकि आपको हमारा स्टाफ भी बता देता है। अगर कोई चीज़ छोटी सी हो प्रिंटेड और वो समझ में ना आए, तब भी हमारा स्टाफ कहता है कि मैम आप ये परचेज़ मत कीजिए, सर आप ये परचेज़ मत कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर ये प्रिंट्स हैं, ठीक है। लेकिन परचेज़ करने के बाद परेशानी में नहीं डालिए हमको, ठीक है। उसके अलावा एक बात ये कह दूँ मैं आपको कि ये जो जितने भी आर्टिकल्स आप अभी देख रहे हैं, ये 2024 का क्लियरेंस सेल है, जिसमें आपको 500 टू 600 रुपीज़ कम करके दिए जा रहे हैं। तो इसमें डिस्क्लेमर ये है कि आप लोगों ने ना, अगर सोल्ड आउट कहा जाता है और आउट ऑफ स्टॉक कहा जाता है, तो आपने समझ जाना है कि किसी और ने परचेजिंग कर ली, ठीक है। क्योंकि इसमें क्लियरेंस सेल में आपके लिए बार बार रीस्टॉक नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो एक हफ्ते से लेकर 15 दिन तक के जो लोग पहले हमने जिनको कैटलॉग सेंड कर दिए हैं, वो तो बुकिंग्स करवा ही रहे हैं, लेकिन YouTube पे अपलोड करने के बाद में भी जो लोग करवाना चाहते हैं वो करवाएं, आपके लिए भी रहेंगे आर्टिकल्स। लेकिन आप लोग ये ना कहें कि हमने बुक कराने की कोशिश किए थे तो आउट ऑफ स्टॉक है और आपके पास रहता भी है या नहीं रहता है वगैरह वगैरह क्वेश्चंस नहीं करें, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को पहले ही कह दे रही हूँ कि हम किसी के लिए रखेंगे नहीं, और इसमें इतने सारा मतलब ये जो सारा स्टॉक है ये पूरे साल का स्टॉक है, और ये रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, ठीक है। तो आपको जितनी जल्दी परचेजिंग करना है उतनी जल्दी कर लीजिए, तो हो सकता है आपको आर्टिकल मिल जाए। दादर मुंबई से जहरा वसीम। जहरा वसीम जी, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो प्लीज़ आप अपने 700 रुपीज़ जो हैं वो कलेक्ट कर लीजिए। हम लोगों से एक गलती ये हो गई कि हम लोगों ने आप लोगों को अपडेट देना भूल गए थे कि पहले हम लोग आर्टिकल के पहले उसकी डिटेल्स डालते थे और उसके बाद में आर्टिकल्स शो करते थे या कोई भी प्रोडक्ट शो करते थे। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले हम आर्टिकल और प्रोडक्ट डाल रहे हैं और उसकी डिटेल्स जो हैं वो बाद में डाल रहे हैं। इस वजह से क्या हुआ कि आपने एक्स्ट्रा पे कर दी, ठीक है। तो आप अपना अमाउंट कलेक्ट कर लीजिए, या फिर आपने 3 मरतबा हमसे परचेजिंग की है, अगर आप वो अमाउंट रखवाना चाहती हैं और नेक्स्ट अमाउंट में से उतना कट हो जाएगा तो आप बता दीजिए, अगर आप सुन रही हैं तो, ठीक है। मैंने आपको मैसेज करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर का कुछ इशू है, ठीक है, पहुंचा नहीं मैसेज, डिलीवर्ड ही नहीं हुआ। तो अगर आप मुझे सुन रही हैं और रेगुलर वीडियोस देखती हैं तो प्लीज़ आप अमाउंट अपना ले लीजिए, ज़्यादा आपका पे हो गया है। तो उसी वजह से हो गया कि हमने आपने दूसरे आर्टिकल के लिए पे कर दिया और आर्टिकल आपका दूसरा था, ठीक है, तो आपने एक्स्ट्रा पे कर दी। अब ये देखिए कि अभी भी जो आर्टिकल्स आ रहे हैं इसमें, तो पहले आर्टिकल्स आते हैं फिर उसकी डिटेल्स आती हैं, ये थोड़ा सा एक माइनर चेंज हम लोगों ने लेकर आए थे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।